फिर मैंने कहा आप कैंडिडेट हैं, तो मैंने कहा बाहर चूती गलत अच्छा ले गया ना वो, हम ये साले साले बढ़ने चले अभी कम पड़ जाए। मोहम्मद लेख सिद्दीकी जी, आप कहाँ से एग्जाम दिलवाने आए हैं? मैं फिरोजाबाद से आया हूँ। फिरोजाबाद में एक देहात है नगला मुल्ला। कहाँ आए और किस क्लास का? मेरा बेटा मोहम्मद तैमूर 9th क्लास का इम्तहान देने आया है और मैं अहमदनगर में रुका था और वहाँ से फिर मैं यहीं अपने कॉलेज आया हूँ और यहाँ बच्चे को पहुँचा दिया है। अब मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। क्या उम्मीद रखते हैं यहाँ पढ़ाई के लेकर बच्चे को? पढ़ाई तो मैंने बहुत अच्छी सुनी है और इसी वजह से मैं अपने बच्चे को लाया हूँ। जैसे कि ना मैं उसका एडमिशन हो जाए तो यहाँ से अच्छी क्वालिफिकेशन दिला कर आगे निकालूँ। क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? मुझे तो यहाँ कोई दिक्कत मालूम नहीं दी है। मैंने तो डिसिप्लिन और यहाँ का रख रखाव बहुत ही बेहतर लगा है और बहुत ही अच्छा है और आप लोगों से भी मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आप ये जीनीस पे चलेगा आपका है? यूपी वाला उत्तर प्रदेश से जी न्यूज। जी न्यूज अच्छा, पेपर में भी देते हैं? हाँ पेपर। ठीक है मैं आपका मोहम्मद शाहिद इमाम जी। शाहिद जी कहाँ से आए हैं और किस चीज़ का टेस्ट दिलवाने आए हैं आप? मैं 9th के लिए बच्ची को टेस्ट दिलवाने के लिए आया हूँ खगड़िया से। कैसा महसूस कर रहे हैं एमयू में बच्चा एडमिशन लेगा और क्या होगा आगे, क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ अगर बच्चे एडमिशन लेंगे तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो इंतज़ाम है, इसमें ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ कि अच्छी पढ़ाई होगी और एडजस्टमेंट अच्छा है। पता चला कि लड़कियाँ बाहर नहीं जाती हैं, सिर्फ संडे को ही उसको बाहर अलाउ होता है और इससे लगा कि बहुत अच्छा ही अच्छे स्टूडेंट निकलेंगे यहाँ, क्योंकि इन्वायरमेंट है अच्छा है, माहौल अच्छा है। क्या दिक्कतें हुई आपको आने में और यहाँ? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कैंपस में इतनी खुशी हुई, इतना स्पेसियस है कि यहाँ कहीं गाछ है, ब्रिज है, ये है, बैठने उठने की हर जगह सही है। ठीक है, तो आप बिहार से हैं? जी हाँ, बिहार से मैं। Children from room number 125 may please come out. Yes. मेरा नाम अरीबा परवेज। कहाँ से आई हैं आप? एम्बेसी होटल से, रसलगंज। तो
किस चीज़ का एग्जाम टेस्ट देने आई थी और क्या उम्मीद है आपको? चलो जल्दी, हम अब अल्लाह के ऊपर कैसी भी उम्मीद हो, हम तो करिए अपनी मेहनत से अच्छा। क्या लग रहा है आपको, एडमिशन नंबर आ जाएगा आपका? शायद, इतना नहीं कह सकते, आ सकता है फिर भी। किस तरीके का टेस्ट रहा बताओ? एंट्रेंस का था, जैसे होता है 9th क्लास का टेस्ट वैसे था। अगर एक अच्छी बच्ची को मिल रहा है तो बात तो नहीं होगी, बात छोड़ दो। 1310 बच्चे आज बैठे हैं एग्जामिनेशन में, जिसमें से 1210 प्रेजेंट और 105 जो हैं वो एब्सेंट। और इसमें हम लोगों ने 1205 प्रेजेंट थे और 110 एब्सेंट। और उसके साथ साथ जो हैं हमने डिफरेंट तरह की सुविधा दी है, जिसमें हमारे इन्वेजिलेशन में गेट के ऊपर डिफरेंट कैंप्स लगाए गए, जिनको प्रॉपर तरीके से उनको बैठने की सुविधा, पानी की सुविधा, और अंदर रूम्स के अंदर इन्वेजिलेटर्स प्रॉपर थे। और हमारे ऑब्जर्वर्स आए, हमारी नईमा गुलरेज मैडम जो है, प्रोफेसर नईमा गुलरेज मैडम जो है हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने हर तरह से स्कूल के डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में जा के देखा किस तरह से बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। और उनको पानी का इंतज़ाम किया गया, इस तरह की पंखा, लाइट, हर चीज़ का हम लोग ने प्रॉपर। बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं? बच्चे तो ऑल इंडिया से आए हुए हैं, खाली अलीगढ़ के नहीं बल्कि बहुत से बाहर से आए हैं, सारे पूरे ऑल इंडिया से आए हुए बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर नईमा खातून गुलरेज हूँ, यहाँ ऑब्जर्वर के तौर पर आई हुई। यहाँ पे मैंने हम लोग पूरा कमरा घूम घूम के राउंड लिया, देखा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही प्रॉपर अरेंजमेंट है। और जो बाहर गार्जियंस बैठे हैं उनके लिए भी पानी का, टेंट का इंतज़ाम किया हुआ है, सब स्कूल करता है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टीवी भी लगा है, यहाँ से मॉनिटरिंग भी करती रही है प्रिंसिपल। कुल टोटल कितनी सीटों पे एग्जाम, कितने छात्र छात्राओं ने? देखिए, जो रफली आइडिया है कि 7000 बच्चे तो पूरा ऑल ओवर आए हुए हैं, उसमें से 135 सीट है सिर्फ। तो कॉम्पिटिशन तो बहुत टफ है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं, लेकिन ज़्यादातर यूपी बिहार के जो लगा बात करके पेरेंट्स में से कुछ, ज़्यादा तादाद जो है यूपी और एडजॉइनिंग स्टेट्स के हैं, बट इट इज़ ऑल ओवर इंडिया के भी बच्चे दूर दूर से भी आए हुए हैं। ये है मानवी सिंह। किस चीज़ का टेस्ट था आपका और कैसा रहा? 9th क्लास का था, अच्छा गया, मींस थोड़ा डिफिकल्ट था पर अच्छा हो गया। क्या उम्मीद करती हैं एडमिशन को लेकर? हाँ, ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। किस तरह की तैयारी पहले से आपने की? अच्छी की थी, पर जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से नहीं हो पाया।